इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले वेंशन से होती है, जो कि फाइनली अपने डैड से झगड़ा करके अपना सारा घर बार छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जैसे उसके डैड को पता चलता है कि वेंशन घर से भाग गई है, तो इसके बाद उसके सारे कार्ड्स कैंसिल करवा देते हैं। यहाँ पर वेंशन अपने लिए ठिकाना ढूंढने के लिए होटल में ठहरने का सोचती है। इसके बाद वो जैसे ही नोटिस करती है कि उसके क्रेडिट कार्ड्स काम करना बंद कर गए हैं, उसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके डैड ने दरअसल उसके साथ एक नया वॉर डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर वो फिगर आउट करने की कोशिश कर ही रही होती है कि अब वो कहाँ पर जाए। इतने में ही शूज के सामने अपेयर हो जाता है और कहता है कि वाओ व्हाट आर यू डूइंग हियर। यहाँ पर वेंशन परेशान होती है कि क्या वो उसे ये बताया कि वो घर से भाग गई है। यहाँ पर उसे इग्नोर करती है और उसके बाद अपनी इकलौती होप वेंड्रा को कॉल करती है और कहती है कि उसे आज रात ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए। फॉर दैट वेंड्रा उसे अपने पुराने घर का एड्रेस दे देती है। यहाँ पर वेंशन जैसे ही वेंड्रा के घर को दिखती है तो समझ में आ जाता है वेंड्रा का स्ट्रगल सच में रियल था। आफ्टर दैट उसे उस घर में तो ठहरना ही था बिकॉज उसके अलावा उसके पास कोई बेचारा नहीं था। इसके बाद वो घर में एंटर कर जाती है, सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। इतने में ही वो देखती है कि घर का दरवाज़ा दरअसल अपने आप खुलने की कोशिश कर रहा है। अपने आप तो खुलेगा नहीं, कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि शायद देर रात में यहाँ पर चोर तो नहीं आ गया या फिर कोई उसे मारने वाला हो। इसके बाद वो जल्दी से अलर्ट हो जाती है, जो भी उसे पास में दिखता है उसे लेकर वो तैयार हो जाती है कि वो इस बंदे को जरूर मारेगी। यहाँ पर वो पहले वेट करती है और अचानक से गेट ओपन हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को दिक्कत चलाने लगती हैं। दरअसल गेट किसी और ने नहीं बल्कि वेंड्रा ने ही खुला हुआ था। तभी यहाँ पर वेंशन उस पर गुस्सा करती है कि तुम आधी रात को ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर वेंड्रा कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे लगा कि तुम जागना चाहो या फिर तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए मैंने ये सब किया, और वैसे भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें इसे जगाने का। इसके बाद यहाँ पर वेंड्रा अपने आप बैठ कर रोना स्टार्ट कर देती है बिकॉज लियांग उसे बात नहीं कर रहा होता है, और उसके इतने सारे झूठ के बाद अब जो पानी है वो उससे काफ़ी ऊपर जा चुका था। यहाँ पर लियांग को भी उसके झूठ हजम नहीं होते, झूठ क्या अब तो उसके सच भी उसके कान से खून निकाल देते हैं बिकॉज वेंड्रा की हर एक चीज़ में उसे डाउट होता है भले वो कुछ भी करे। यहाँ पर वेंड्रा परेशान होती है बिकॉज लियांग ने उसके चक्कर में घर भी छोड़ दिया है, अब वो होटल में स्टे कर रहा है ताकि उसे वेंड्रा से ज़्यादा बात ना करना पड़े और वेंड्रा उसे परेशान ना करे। बट वेंड्रा तो है ही शेमलेस, इसके मामले में तो उससे कोई भी नहीं जीत सकता, ना ही वेंशन और ना ही कोई और, तो लियांग किस खेत की मूली है। इसके बाद वेंड्रा कहती है कि वो हार नहीं मानने वाली। यहाँ पर वेंशन कहती है कि क्या आई नो एंड मैं तुमसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। वेंड्रा लियांग के हाथ पर जोड़ती है कि प्लीज उसे डिवोर्स ना ले, बस उसे गुस्सा होना है तो गुस्सा होता रहे बस कुछ दिनों के लिए, बट नॉट फॉर ऑलवेज। यहाँ पर लियांग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद वेंशन अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए ऐसे ओबीडियंट सिस्टर लियांग से बात करती है और कहती है कि और उसे क्लियर करती है कि जिससे वो बचपन में मिला था वो दरअसल वेंशन थी, पर बचपन की बातें कहाँ ही मैटर करती हैं, बड़े हो गए हैं, हमारे टेस्ट अलग हैं, हमारी चॉइसेस अलग हैं। यहाँ पर लियांग उसे थैंक यू बोलता है कि उसने बचपन में उसकी हेल्प की थी। तभी वेंशन कहती है कि ओके इट्स ऑल राइट। यहाँ पर वो कहती है कि वो वेंड्रा से झगड़ा करना बंद कर दे। तभी लियांग कहता है कि ये उसका मैटर है, उसे अपने तरीके से सुलझा लेगा। तभी वेंशन सोचती है कि शायद उसने अपनी सारी कोशिश कर ली, अब जो भी होगा वो सिर्फ वेंड्रा के ऊपर डिपेंड करता है। वेंड्रा उसी होटल में स्टे करना स्टार्ट कर देती है जहाँ पर लियांग उसे छुप कर बैठा हुआ था। इसके बाद वो लियांग को हर टाइम उसे परेशान करती है, हर टाइम उसके डोर पर जाके खड़ी हो जाती है। अब लियांग उसे एक्सेप्ट करे पर लियांग उसे चांस नहीं देता। यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यान युआन होता है, जो कि लियांग को देखकर उस पर ट्राई मारने का सोचती है बिकॉज लियांग एक तो हैंडसम और रिच है। इसके बाद यहाँ पर वेंड्रा उसे जेलस होती है और एक भी चांस नहीं देती कि वो लियांग पर ट्राई भी मार पाए। लियांग तो उसमें टोटली अनइंटरेस्टेड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वेंशन का बर्थडे रहता है, पर उसकी बर्थडे मॉर्निंग भी काफ़ी सरप्राइजिंग होती है। वो जैसे ही सोकर उठती है तो देखती है कि उसके वॉशरूम में दरअसल वाटर लीकेज है, मतलब वेंड्रा के घर में। इसके बाद उसे पता नहीं था किसे कॉल करे बिकॉज वो तो अपने घर की प्रिंसेस है और प्रिंसेस को थोड़ी ना कोई काम आते हैं। इसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते एक ही बंदे को जानती है और वो है शू। शू को टेक्स्ट करती है, यहाँ पर शू भी उसके हर काम में इंटरेस्टेड था। इसके बाद वो पहुँच जाता है अपनी प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन प्रिंस को भी कुछ पता रहता नहीं है कि आखिर ये सब कुछ ठीक कैसे करते हैं, बट ही इज़ टोटली डिटरमाइंड। इसके बाद वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख कर फाइनली 2-3 घंटे तक ट्राई करने के बाद उस लीकेज को बंद कर ही लेता है। यहाँ पर वेंशन उसके डिटर्मिनेशन को देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और समझ जाती है कि ये मामला काफ़ी सीरियस है, तो वो ओशू को सीरियस ले सकती है।
यहाँ पर शू के सारे कपड़े इधर से भीग गए होते हैं। इसके बाद उसका असिस्टेंट आकर उसे उसकी ड्रेस देता है। यहाँ पर शू वेंशन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, बिकॉज उसे पता था कि आज वेंशन का बर्थडे है। इसके बाद वेंशन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और आफ्टर दैट वो एक छोटा सा सेलिब्रेशन करता है हमारी वेंशन के लिए, और वेंशन ये सब देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वो शू को बताती है कि आके उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वो बताती है कि वो वेंड्रा उसे हमेशा से कम्पीट करती आई है, उसे बचपन से ही इस बात का गिल्ट है। यहाँ पर शू उसके सिचुएशन को समझ रहा होता है कि एक घर में जब पेरेंट्स ही दोनों बच्चों को कम्पीट करवाते रहे, सारी जिंदगी कॉम्पिटिशन बन जाती है, और वेंड्रा और वेंशन दोनों ही इससे गुजर चुके हैं। अब इन दोनों का मैच्योर होना बनता ही है, इसलिए वेंशन को भी सब कुछ समझ आने लगा है। शो वेंड्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बिकॉज उसे वेंशन की गिल्टी वाली फीलिंग को खत्म करना था, बिकॉज वेंशन की वजह से ही वेंड्रा ने उस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाया था। यहाँ पर वेंड्रा परेशान होती है कि क्या इसके अंदर अब मेरे लिए अभी भी फीलिंग है। तभी शू कहता है कि इट्स ओके, ये कोई मैटर नहीं है, दरअसल बिजनेस बिजनेस है एंड प्रोफेशनली हमें अच्छे से काम करना चाहिए। वेंड्रा कहती है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे पता था कि इससे लियांग को दिक्कत होने वाली है। ये आइडिया दरअसल काम भी करता है। जैसे ही लियांग को पता चलता है कि शू ने दरअसल वेंड्रा के साथ अपनी बिजनेस डील साइन की है, तो उसके बाद वो काफ़ी अलर्ट हो जाता है और वेंड्रा को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देता। यहाँ पर शू भी समझ जाता है कि लियांग की इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो वेंड्रा का पीछा नहीं छोड़ता, बिकॉज उसे पता है कि शायद उसका इंटरप्शन इन दोनों को और क्लोज ले आए। उसके बाद हम उसी गर्ल यू युआन को देखते हैं, जो कि दरअसल लियांग पर भी ट्राई मारती है और उसके बाद शू पर भी ट्राई मारती है। उसे तो दरअसल ब्लाइंडेड पर भी इनवाइट कर ही लेती है। यहाँ पर इन सारी लेडीज़ को पता चलता है कि इस लड़की में बहुत ही बड़ा झोल है, बिकॉज ये सभी पर ट्राई मार रही है और एक साथ कम से कम 10 लोगों को उल्लू बना रही है। अभी एक ट्रैप बिछाती है कि सारे बॉयफ्रेंड्स को एक साथ ही इन्वाइट कर लेती है और जाकर यू युआन के सामने खड़ा कर देती है। यू युआन इन सारे बॉयफ्रेंड्स को एक साथ देखकर समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे। एंड फाइनली उसका सच सबके सामने आ ही जाता है। यहाँ पर वेंड्रा भी यू युआन के झगड़े के चक्कर में दरअसल चोट खा जाती है और इसके बाद वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर लियांग को जैसे ही पता चलता है कि वेंड्रा को दरअसल हर्ट हुआ है, तो वो जल्दी से अपनी सारी नाराजगी छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम वेंड्रा को देखते हैं जो कि डबल शॉक्ड थी, बिकॉज उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और जैसे ही लियांग को पता चलता है कि वेंड्रा प्रेग्नेंट है, आफ्टर दैट वेंड्रा को गले लगाता है बिकॉज ही इज गोना बी फादर। साथ में वो वेंड्रा को अब बहुत अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ज्यादा ही अच्छे से, जो कि वेंड्रा को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा होता है, बिकॉज उसकी इतनी केयर उसे हजम थोड़ी ना होगी। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। सो मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।